हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल में भाजपा का हल्ला बोल। राज्य सरकार की किसान व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा द्वारा प्रारंभ हल्ला बोल कार्यक्रम के दूसरे दिन गुरुवार को भीनमाल जालौर मार्ग पर स्थित 72 जिनाले मंदिर में सांसद देवजी पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली, विधायक पूरा राम चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख वन्ने सिंह गोयल व प्रदेश पैनलिस्ट सावला राम देवासी की मौजूदगी में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस व राज्य सरकार पर जनता व किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रत्येक मोर्चे पर विफल करार दिया। इस दौरान सांसद पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नारा दिया, अब होगा न्याय, वो कब होगा न्याय। करीब 20 माह बाद भी हर मोर्चे पर विफल राज्य की कांग्रेस सरकार के मुखिया से राजस्थान की करीब 8 करोड़ जनता चीख चीख कर खून के आंसू बहा रही है, लेकिन न्याय की जगह अशोक गहलोत सरकार पानी पी पी कर विरोधी निर्णय कर लोकसभा चुनाव की हार का जनता से बदला ले रही है। सांसद ने कहा कि प्रदेश किसानों का हाल सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेहाल है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने 10 दिन में समस्त किसानों का कर्जा माफ का वादा किया था, लेकिन आज भी विभिन्न सरकारी बैंकों में करीब 22 लाख किसान कर्जा माफी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनकी एक फूटी कौड़ी भी राज्य सरकार माफ नहीं कर पाई। सरकारी क्षेत्र से जुड़े 10 लाख किसानों का बीमा चहेती कंपनी से अनुबंध नहीं होने के कारण दुर्घटना में मृतक परिवार के लोगों को 10 लाख की सहायता नहीं मिल रही है। वहीं बीमा नहीं होने से सामान्य मौत से मरने वाले किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। सांसद ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान किसानों की सहायता की बजाय सरकार बिजली की VCR, बिजली के दरों में बढ़ोतरी व फ्यूल चार्ज के नाम पर लूट और खाद बीजक भावों ने किसान को खून के आंसू लाने को मजबूर कर दिया है। सांसद ने बताया कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य से 20 महीनों की सरकार ने अलग अलग समय में 70 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की है। 6 फरवरी 2020 को राज्य के 1,13,00,000 उपभोक्ताओं पर विद्युत दर फिक्स चार्ज पर 12% बढ़ोतरी कर 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि हुई है। 1400 करोड़ का अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ताओं पर भार डाल दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं ने 4 माह बिजली का बिल माफ करने व उद्योगपतियों ने बंद पड़े उद्योगों पर फिक्स चार्ज 2.97 पैसे प्रति यूनिट माफ करने की मांग की थी। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने मांगों को ठुकरा दिया। फ्यूल चार्ज जो भाजपा के राज्य में 30 पैसे प्रति यूनिट था, उसको बढ़ाकर 58 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। इन सभी कारणों ने इस कोरोना काल खंड में घरेलू उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार पड़ा है। राज्य सरकार ने फरमान जारी करके कोरोना काल खंड में 3 माह से स्थगित बिजली के बिलों को 31 जून तक जमा करवाने व स्थायी चार्ज के नाम से प्रत्येक उपभोक्ताओं से 2000 से 5000 रुपए तक अतिरिक्त भार डाल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग जगत को भी आहत कर दिया है। पिछले 3 माह से बिजली की अघोषित कटौती, VCR के नाम पर हजारों रुपए की वसूली करते भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। विद्युत की दृष्टि से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की थोती घोषणा के पश्चात भी सैकड़ों की महंगी बिजली खरीद कर भारी भ्रष्टाचार किया है। सांसद ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि कनेक्शन पर 833 रुपए की सब्सिडी की व्यवस्था थी। सांसद ने उपभोक्ताओं की खस्ता हालत को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल खंड के अंतर्गत 4 माह के विद्युत बिल माफ करने, फ्यूल चार्ज एवं स्थायी शुल्क के नाम पर की गई विद्युत वापस दिलवाने, किसानों के बिजली बिल माफ करने, बिजली कटौती बंद करने, VCR के नाम पर किसानों का शोषण बंद करवाने और किसानों की बंद सब्सिडी को पुनः शुरू करवाने की मांग की। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र की विफलता के चलते 1993 के बाद विगत 2 साल से राजस्थान में टिड्डियों का हमला लगातार हो रहा है। वर्ष 2019 में 12 जिलों में 25,000 करोड़ की फसल समाप्त हुई थी। चालू वर्ष में अप्रैल माह में 33 में से 32 जिलों में टिड्डियों के आक्रमण का दंश किसानों ने झेला है। सांसद ने कहा सभी जिलों में टिड्डियों का फाका वर्ष भर किसानों को परेशान करने वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।
सांसद पटेल ने मुख्यमंत्री से किसानों की खराब फसल की गिरदावरी करवाकर 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रत्येक किसान को दिलवाने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से फसल कीटनाशक दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट की बढ़ोतरी करके खोट में खुजली का कार्य किया है। भाजपा के शासनकाल में पेट्रोल पर 26% वेट था, जिस पर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वेट को बढ़ाकर 38% एवं डीजल में 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया। साथ ही रोड सेस 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वेट राजस्थान में है। राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल पर वेट को कम करने की बात कही थी। अब राजस्थान की जनता के साथ कुटाराघात किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोली ने बताया कि इस वर्ष 31 जुलाई में कुल 1,07,032 गंभीर अपराध में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें से 40,000 मुकदमों में ही चलान हुआ। शेष 60,000 अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बीते वर्ष में 2,972 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, इनमें से 914 मामले में ही चलान हुआ। बाकी बलात्कारी पकड़ से बाहर हैं। हत्या के 937 मामले दर्ज हुए हैं, इनमें से 335 में चलान पेश हुआ। 559 लूट के मामले दर्ज हुए। अनुसूचित जाति के बलात्कार के 3,988 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1,146 मामले में चालान हुआ। अनुसूचित जनजाति के 1,092 से 309 में चालान हुआ। अवैध बजरी माफियों के आतंक से पूरा राजस्थान भयभीत है। किस डंबर में किसी की मौत हो जाए ये पता नहीं। ये सभी दर्ज मुकदमों में ये दहशत है कि पुलिस का नारा आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय हो केवल नारा ही रह गया है। अपराधी बेखौफ जनता में आतंक फैला रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में 73वें संशोधन के पश्चात पंचायत समिति एवं पंचायतों को वैधानिक रूप से दय राज्य एवं केंद्र वित्त आयोग की 20,000 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण विकास में खर्च करने की बजाय अन्यत्र स्थानांतरित कर ग्रामीण विकास के कार्य को ठप कर दिया। खाद्य सुरक्षा का पेट्रोल लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसके कारण हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। राव ने बताया कि कांग्रेस सरकार में पिछले 2 बजट में 1,28,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक 16,000 भर्तियों से आगे सरकार बढ़ नहीं पाई है। एक तरफ युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, दूसरी तरफ सरकार चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते 3,500 रुपए देने वाली बात करने वाली कांग्रेस मात्र 70,000 युवाओं को ही भत्ता दे रही है। इस कोरोना कालखंड में उनका भत्ता भी बंद कर दिया है। सत्ता में आने से पूर्व संविदा पर काम करने वाले प्रदेश के हजारों युवाओं को स्थायी करने का जो झांसा सरकार ने वादा किया था, 20 माह से सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। देश के अंदर कोरोना कालखंड के अंतर्गत माह जुलाई तक 16.8% बेरोजगारी राजस्थान में बढ़ी है। ये सब दृश्य युवाओं के सपनों को कुचल रहा है। राव ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने गौशालाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी एवं सेस के माध्यम से आने वाली राशि का उपयोग गौशालाओं में अनुदान के रूप में खर्च करने का निर्णय किया था, लेकिन गौ माता विरोधी गहलोत सरकार ने विधानसभा में बिल लाकर 2,890 गौशालाओं के 1,252 करोड़ रुपए, जो सरकार के पास थे, इस बिल के पास होने के बाद अन्य मदों में खर्च करने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया है। इस कारण से इस कोरोना कालखंड में जहां सरकार को पशुधन को बचाने के लिए गौशालाओं की अनुदान के रूप में मदद की आवश्यकता थी, उसके बजाय सरकार ने 625 करोड़ रुपए रोक करके गौ माता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। राव ने बताया कि कोरोना कुप्रबंधन में राजस्थान का ग्राफ बढ़ रहा है। 15 अगस्त को 59,779 मरीज थे, जो 25 अगस्त को बढ़कर 73,325 हो गए। मरने वालों की संख्या भी हजारों में हो गई है। जनसंख्या से दुगने लोगों की स्क्रीनिंग का दावा करने वाली सरकार के पास आज मरीजों के लिए बेड व वेंटिलेटर का अभाव है। सरकार ने खुद के झगड़े में जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। क्वारंटाइन सेंटर में भ्रष्टाचार की कहानी राजस्थान के गांव-गांव में अब गूंजने लगी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेसी नेताओं द्वारा कोरोना एडवाइजरी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मीडिया द्वारा ध्यान में लाया गया है कि पिछले दिनों सिरोही जिले में कांग्रेसी नेताओं द्वारा रैलियां निकाली गयी तथा सैकड़ों की संख्या में लोगों को एकत्रित किया गया। रैलियां एवं सभाएं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस रैली में मौजूद एक व्यक्ति हरि ओम चतुर्वेदी की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है तथा कांग्रेस का नगर अध्यक्ष भी वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव है, जिसका गुजरात में उनका इलाज चल रहा है।
अध्ययन क्षेत्र में कानूनी व्यवस्थाओं को थाक पर रखकर इन कांग्रेस सरकार कोरोना को बढ़ावा दे रही है। यदि कोई आम नागरिक या भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार की आवाज उठाते हैं या राजस्थान सरकार की पोल खोलते हैं तो इन कांग्रेस नेताओं द्वारा पुलिस प्रशासन से मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। यदि कोई सामाजिक कार्यक्रम में 50 लोग भी एकत्रित हो जाए तो उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने प्रशासन से इस प्रकार कोरोना महामारी की लड़ाई में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि भामाशाह योजना बंद और आयुष्मान भारत योजना लागू करने की वजह से आम जन की बीमारी का इलाज नहीं होकर लाइलाज हो गयी। राव ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर राज्य सरकार ने अपने चहेतों का नाम देकर भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर रही है। अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी रसोई योजना रखकर थोती बाहवाई लूटने की विफल कोशिश जनता को मालूम है। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।